दोस्तों फल हमारी डाइट का एक अहम हिस्सा है क्योंकि फलों में बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मौजूद होते हैं। जब एक स्वस्थ और संतुलित भोजन की बात आती है तो उस भोजन में फलों का होना बेहद जरूरी है। अगर आपकी डाइट में फल मौजूद नहीं है तो आपके शरीर में विटामिन्स, मिनरल और फाइबर जैसे पोषक तत्वों की कमी आ सकती है। आज लोग इतने बिजी हैं कि उनके पास टाइम होते हुए भी टाइम नहीं है, इसलिए लोग टाइम की बचत और अपने दांतों को कष्ट से बचाने के लिए फलों को खाने की बजाय इनका जूस पीना पसंद करते हैं। और जब ऐसे लोग कभी कभार फल खाते हैं तो उनके साथ कुछ ऐसा होता है। खून मसूड़ों से खून पायरिया, क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक और नीम है? नमक और नीम? हाँ, नहीं, नीम कोलगेट एक्टिव सॉल्ट में है, नमक और नीम की शक्ति। और इसका खूब फायदा उठाती है हमारी टूथपेस्ट कंपनियां, जो कि कुछ इस तरह के ऐड दिखाकर अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं। खैर, टूथपेस्ट के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, अभी वापस आते हैं अपने फ्रूट जूस की तरफ। दोस्तों, कंपनियां यह बात अच्छी तरह से जानती हैं कि लोगों ने फलों को खाने की बजाय फलों का जूस पीना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि मार्केट में हर दूसरे दिन एक नई कंपनी का जूस का डब्बा देखने को मिलता है और जिनके फ्रंट लेवल पर लिखा होता है नेचुरल जूस विद विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर, या फिर नॉट कंसंट्रेट जैसे एट्रैक्टिव वर्ड लिखे होते हैं जो कि लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बी नेचुरल फ्रूट जूस के बारे में, जिसे ITC कंपनी बनाती है। इस जूस के डब्बे के फ्रंट लेवल पर बी नेचुरल की बड़ी सी ब्रांडिंग के साथ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट। अगर आप नहीं जानते कि नॉट फ्रॉम कॉन्सेंट्रेट का मतलब क्या है तो वीडियो में इसके बारे में आगे बात करेंगे और साथ ही जानेंगे क्या यह प्रोडक्ट सच में नेचुरल है, इसमें किसी तरह की कोई आर्टिफिशियल चीज़ें तो नहीं डाली गई हैं। तो आइए पता लगाते हैं क्या यह प्रोडक्ट सच में नेचुरल है या फिर सिर्फ नाम का ही नेचुरल है। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने बी नेचुरल जूस की यह एड तो जरूर देखी होगी, जिसमें एक बॉलीवुड एक्ट्रेस बी नेचुरल जूस की एडवर्टाइजमेंट करती दिखाई देती है। अपने किसी पास की सुपरमार्केट में जाके पैकिंग वाले जूस खरीदती है। यह एक्ट्रेस कई सारे जूस उठाती है और हर जूस के इंग्रेडिएंट्स में इसे दिखाई देता है कॉन्सेंट्रेट। फलों के रस को उबालकर एक गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है जिसे कॉन्सेंट्रेट कहते हैं। फिर इसमें पानी और शुगर मिलाकर जूस बनाया जाता है और ज्यादातर जूस ऐसे ही बनाए जाते हैं। लेकिन बी नेचुरल जूस बना है 100% रियल जूस से, यानी फलों के रस को निकालकर डायरेक्ट डब्बे में पैक किया जाता है और डब्बे के फ्रंट लेवल पर लिख दिया जाता है गुडनेस ऑफ फाइबर, साथ ही मेड विद 100% इंडियन फ्रूट, 0% कॉन्सेंट्रेट। लेकिन इसके इंग्रेडिएंट्स देखने से पता चलता है इसमें सिर्फ 30% ही फलों का रस मौजूद है। यह सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर फ्रूट जूस में मौजूद है। लेकिन अगर बात करें बी नेचुरल मिक्स फ्रूट जूस की, तो इसमें मैंगो पल्प 6.8%, बनाना 4.5%, गवावा 4.4%, पाइनएप्पल 3.2%, वाटरमेलन 0.6%, बेल 0.17%, जामुन 0.17%, लीची 0.17%, पोमोग्रेनेट जूस 0.05%। अब इसका टोटल करें तो लगभग 20% होता है, यानी इसमें सिर्फ 20% ही फलों का रस मौजूद है, बाकी इसमें 80% पानी मिलाया गया है। और इसे मीठा बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीनी का इस्तेमाल किया गया है, साथ ही इसमें डाले गए हैं आर्टिफिशियल कलर, एसिडिटी रेगुलेटर, स्टेबलाइजर और एंटीऑक्सीडेंट। अब तो शायद आपको अंदाजा हो गया होगा कि बी नेचुरल जूस कितना नेचुरल है। अगर इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन देखें तो बी नेचुरल जूस 100 ml हमें देता है टोटल एनर्जी 54 ग्राम, 0.1 ग्राम प्रोटीन, 13.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, इसमें नेचुरल शुगर है 3.4 ग्राम, साथ ही इसमें 10 ग्राम चीनी अलग से डाली गई है, यानी इससे हमें मिलते हैं 13.4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट जिसमें से 10 ग्राम शुगर से आते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। देखा जाए तो 100 ग्राम के हिसाब से 10 ग्राम शुगर काफ़ी ज़्यादा है और एक ग्लास में 200 से 250 ml जूस आता है, तो मतलब एक बार में आप 25 ग्राम चीनी खा जाते हैं, यानी 6 से 7 चम्मच चीनी, जो कि एक बार में काफ़ी ज़्यादा है। अगर बात करें डेली इंटेक ऑफ शुगर की, तो एक अडल्ट व्यक्ति की रिकमेंडेशन डेली इंटेक ऑफ शुगर लगभग 40 ग्राम होती है और यही डेली इंटेक ऑफ शुगर बच्चों के लिए 20 से 25 ग्राम है। सोचिए, अगर आपका बच्चा एक दिन में एक ग्लास जूस पीता है तो उसकी डेली इंटेक ऑफ शुगर की आवश्यकता तो यहीं से पूरी हो जाती है। और एक इंसान दिन में और भी बहुत सारी चीजें खाता है जहां से उसे शुगर मिलती है। दोस्तों, बी नेचुरल जूस ही नहीं बल्कि मार्केट में मिलने वाले सभी पैकिंग वाले फ्रूट जूसों में लगभग 80% पानी होता है, जिन्हें मीठा बनाने के लिए इनमें बहुत सारी चीनी का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही इनमें प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल चीजें भी डाली जाती हैं।
जो जूस को लंबे समय तक सेफ रखने और 80% पानी को बिल्कुल जूस जैसा बना देते हैं। सोचिए 20% फ्रूट जूस और 80% वाटर और साथ में बहुत सारी चीनी, अब इसे मीठा पानी कहें या जूस। ज्यादा चीनी खाने से आपको डायबिटीज, स्किन एलर्जी, हार्ट डिसीजेस, इन सब के अलावा भी और बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। मैं तो यही कहूंगा, ना सिर्फ बच्चों को बल्कि आपको भी पैकिंग वाले जूसों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे पैकिंग जूस की बजाय आप घर पर ताजे फल खाएं। यदि आपको जूस ही पीना है तो घर पर ही ताजे फलों का रस निकालें और तब पिएं। घर पर निकाला हुआ फलों का ताजा रस ही असली और नेचुरल जूस है। नाम नेचुरल होने से प्रोडक्ट भी नेचुरल हो ऐसा जरूरी नहीं। ज्यादातर लोग प्रोडक्ट का फ्रंट लेवल देखकर खुश हो जाते हैं या फिर प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट देखकर प्रोडक्ट खरीद लेते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंपनियों को पूरी आजादी होती है कि वो कुछ भी कह सकते हैं अपनी प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट के फ्रंट लेवल पर। इसलिए कभी भी एडवर्टाइजमेंट या प्रोडक्ट का फ्रंट लेवल देखकर प्रोडक्ट ना खरीदें। एक जागरूक ग्राहक होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसमें डाले गए इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन को जरूर चेक करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।